चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। ठीक है, एयर डिस्टेंस को निग्लेक्ट कहा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो, अगर बॉल को नीचे से ऊपर थ्रो किया जा रहा है तो एक्सेलरेशन तो नीचे होगा, और फाइनली हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद बॉल फिर से नीचे ही जा रही है, तो इस बार भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नीचे ही है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है। पहले वेलोसिटी ऊपर थी, अब वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो मान लेते हैं ऊपर पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो पहले वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही थी, अब वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में चल रही है। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें स्लोप अलग अलग है, यानी एक्सेलरेशन डिफरेंट है, जबकि एक्सेलरेशन तो जी होगा दोनों के सम, तो ये नहीं सही हो सकता। इसमें क्या हो रहा है, टाइम पहले बढ़ रहा है फिर टाइम कम हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया। टाइम पहले कम हो रहा है फिर टाइम बढ़ रहा है, ये भी गलत है। अच्छा, यहाँ क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी कम होती जा रही है, होती जा रही है, फिर जीरो होगी, जीरो होने के बाद बढ़ने लगी वेलोसिटी, फिर से बढ़ने लगी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पीड कम हो रही है, उसके बाद स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, ये ऊपर की वेलोसिटी, इससे ऊपर की वेलोसिटी पॉजिटिव है, इससे नीचे की वेलोसिटी नेगेटिव है। ठीक है, तो ये मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।